रावण का मरण जेंदी रावण का मरण जेंदी भी क्यों नाभि रावण रावण को 10 शीश थे। राम ने बाण चलाने शुरू किए और सर कटने लगे। ये रावण के सर क्या चीज है? अनेक प्रकार की बुद्धि चलाना, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। बाप जो बातें समझाते हैं वो बातें बुद्धि में नहीं बैठती और ही नए नए प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं। एक प्रश्न का जवाब दिया, सर कट गया, दूसरा सर निकल आता है, दूसरा प्रश्न शुरू हो गया, दूसरे प्रश्न का जवाब दिया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। बार बार सर काटते जाते थे। ये प्रश्न कहाँ पैदा होते हैं? सर के अंदर ही इस प्रश्न पैदा होते हैं। तो अनेक मतों वाली जो बुद्धि रही है 63 जन्मों में, अनेकों के संग के रंग वाली रही है, तो औरों के प्रश्न जो है बुद्धि में जल्दी घर कर जाते हैं और बाप की बात बुद्धि में जल्दी समझ में नहीं आती। तो ये सर कटते गए, वो बाण मारते गए, बाण मारते मारते राम जी भी थक गए और रावण के सर कटते गए, वो खुश होता गया आ रहा। हम तो फिर भी प्रश्नोत्तर कर रहे। तो फिर जो विभीषण है रावण के ही कुल का, उनके ही घर परिवार का, घर का भेदी लंका ढाब, उसने पोल पट्टी सारी खोल ली। उसने बता दिया ये रावण की जो नाभि है ना, इस नाभि कुंड में अमृत भरा बसा हुआ है, भरा हुआ है। वो अमृत जब तक है तब तक ये सर कटेंगे नहीं, नए नए सर निकलते ही चले आएंगे। ये नाभि कुंड क्या है? ये नाभि कुंड कोई दूसरी चीज नहीं है, इसकी नाभि में 16,000 नसों नाड़ियों वाला वो स्थान है जहाँ 16,000 नसें नाड़ियां जाकर के इकट्ठी होती है। माने कोई एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहाँ से 16,000 नसें नाड़ियों का संबंध जुटा हुआ है। 8,000 नसें नाड़ियां हैं गंदा खून बहाने वाली और 8,000 नसें नाड़ियां हैं शुद्ध खून बहाने वाली। मनुष्य के शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां होती हैं, छोटी से लेकर के बड़ी तक। कुछ धमनियां ऐसी होती हैं, नाड़ियां ऐसी होती हैं जो हृदय से शुद्ध खून होकर के सारे शरीर में पहुंचाती हैं और कुछ नाड़ियां ऐसी होती हैं जो गंदा खून हो जाता है, उस गंदे खून को ला करके हृदय में फिर से शुद्ध करने के लिए भेजती। तो रुद्रमाला और उसकी जो भी नाड़ियां हैं 8,000, वो कैसा खून बहाने वाली है? कितना भी ज्ञान सुनाओ लेकिन पवित्र खून बहता है संकल्पों का कि फिर अपवित्र हो जाता है। कीचड़ में रहते कमल फूल समान संपन्न बनते हैं या नहीं बन पाते? बन पाते नहीं बन पाते, फिर भी वही गंदे संकल्प चल पड़ते। तो 16,000 आत्माएं ऐसी हैं, आत्मा रूपी नशे नाड़ियां उस बुराट पुरुष की, जिनका केंद्र बिंदु कौन है? नाभि माने ना अभी क्या
ठहर जाओ, तैयार हो लेने दो। अब देख तो बाप दादा क्या कहते हैं, एडवांस पार्टी रेडी है, तैयार है, आप भी तैयार हो तो बच्चे क्या कहते हैं, थोड़ा टाइम, अभी नहीं, ना अभी। माना कोई आत्मा है जो बकरी का पार्ट बजाने वाली है। त्रिमूर्ति में एक शेर है, एक बकरी है, एक घोड़ा है, तो बकरी डरने वाली होगी या शेर नहीं होगी, डरने वाली होती, पता नहीं जाने क्या हो जाएगा। अरे सच्चाई से सचखंड की स्थापना होगी, कोई झूठ खंड थोड़ी बन जाएगा। जब बुद्धि में बैठा है कि सच्चाई है तो सच्चाई होगा, तो वहां अगर बाण मार दिया अज्ञान का, कहां नाभि में, जो अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन भी दे दिया है, इसका आवाहन करो, विजयमाला का आवाहन करो। अब विजयमाला में तो शहद की मक्खियां हैं, वो शहद की मक्खियां सारी ही आवाहन हो जाएंगी एक साथ। कैसे होती है, रानी मक्खी पकड़ते हैं तो आवाहन हो जाता है, परंतु अगर वो रानी मक्खी कोई बड़े महल के अंदर बैठी हो और महल को चारों तरफ से मॉस्किटो नेट से घेर रखा हो, मच्छरों से दस आत्माओं ने, तो जो दूसरी मक्खियां हैं वो रानी मक्खी के नजदीक पहुंच पाएंगे, नहीं, नहीं, नहीं पहुंच पाएंगे। तो बताया कि वहां तक बाण पहुंचाओ ज्ञान का, नाभि कुंड तक, तो रावण के जो ये ढेर सारे सिर पैदा हो रहे हैं, क्यों क्या कैसे, इस मुरली में ऐसे कहा, उस मुरली में वैसे कहा, तो ये बात कैसे, तो वो बात कैसे, बाबा तो हर बात का जवाब देते जाते हैं, क्यों, क्योंकि बाबा की बुद्धि में तो सब कुछ स्पष्ट है, हर बात का जवाब है। वो शास्त्रवादी गुरु पंडित आचार्य होते हैं, वो शास्त्रों से पढ़ पढ़ करके फिर प्रश्नों का जवाब देते हैं, और वो भी भरी सभा में किसी को इजाजत नहीं देते हैं प्रश्नोत्तर करने की, क्यों, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान ही अधूरा है, शास्त्र संपूर्ण ज्ञान नहीं सुना सकते, क्यों नहीं सुना सकते, कि शास्त्रों में बंधा हुआ ज्ञान होता है, और ईश्वरीय ज्ञान कोई शास्त्रों के पन्नों में बंधा हुआ नहीं है, ये तो अथाह सागर है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा सैकड़ों प्रश्न करें तो कितने प्रश्न हो जाएंगे, अरबों खरबों प्रश्न हो जाएंगे, और उन सबका उत्तर परमपिता परमात्मा के पास है। तो ये सर तो भले तैयार होते रहे, निकलते रहे और उनको काटते रहे, इनका कोई अंत नहीं है। अंत कब होगा, जो नाभि कुंड में जो पवित्रता की खान बैठी हुई है वहां जब बाण लगे, तो ये प्रश्नोत्तर रावण के सर पैदा होना बंद हो जाएगा।